नहीं तो अगर आप पूछते, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में हर विधायक को हर महीने जो टेलीफोन का भत्ता है, अब तो हम लैंडलाइन नहीं लगाते, टेलीफोन का भत्ता 10,000 रुपये मिलता है हर महीने। आप मुझे किसी भी एयरटेल में मैं जाके पता जब करता हूँ तो 1199 रुपये का सबसे महंगा प्लान है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉल्स हैं। अगर मैं जोड़ूँ कि उनकी एक सहायक को और उनके एक ऑफिस स्टाफ को भी आपने दे दिया, 3600 रुपये पड़ते हैं। 10,000 रुपये की जरूरत क्यों पड़ती है, लेकिन सरकार दे रही है। आपके आयुष्मान में गरीब आदमी को पूरे साल भर में 5,00,000 रुपये मिलते हैं, और यहाँ पर एक पूर्व विधायक को भी जिसको सारे सरकारी अस्पतालों में सारी जाँच सब कुछ बिल्कुल फ्री है, उसको 15,000 रुपये मिलते हैं। तो जो मॉडल हमने चुना है, हम पूछते हैं अपने विधायकों से कि माननीय क्यों आपको इतने पैसे मिले, भाई हम तो गरीबी में जी रहे हैं, हमने वोट दिया और आप तो कहते हैं कि आपका उद्देश्य समाज सेवा है। आपको आश्चर्य होगा कि जो भोपाल की माननीय सांसद हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा था कि उनका जो जीविकोपार्जन है, मतलब जिससे वो अपना लाइवलीहुड कमाती हैं, वो भिक्षाटन है, भीख मांगकर कमाती हैं, और उसी में उन्होंने अपने पास एक सोने का कड़ा और तमाम ऐसी चीज़ें दिखाई थी। मुझे लगा कि शायद अगर कोई उनसे जाकर पूछता कि मैम अगर ऐसे भीख मिलती तो मैं भी शायद भीख ही मांगता। ये प्रज्ञा सिंह।